दोस्तों थोड़ी देर में हम लोग अपने जंगली बेस कैंप पहुंचने वाले हैं। रोहरू से निकले हुए लगभग हमें 3 घंटे हो चुके हैं और रास्ते में एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज आया है। ये देखिए, जो ब्रिज पूरे पानी के बहाव से पूरी तरफ से बह चुका है। अभी हमें यहाँ से पैदल होते हुए जाना है, क्रॉस करते हुए। ये जो रिवर आप देख रहे हो, ये पपार रिवर, जो कि पहाड़ों से बहते हुए आ रही है, और रास्ता ये जाता है सीधे जंगलीक। तो आज का हमारा स्टे जो है जंगलीक में होने वाला है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं जंगलीक के रास्ते में हूँ और मैं आया हुआ हूँ बुरन घाटी के ट्रैक पे इंडिया हाइक के साथ। हमारे साथ जो आप साथी देख रहे हो, ये सारे इंडिया हाइक की टीम है जो ट्रैक के लिए आई हुई है, और इन सबसे मैं आपको मिलवाऊंगा। आज हमारा पहला दिन है, 24th of September है, और मौसम आप देख रहे हो काफ़ी बरसात वाला हुआ पड़ा है। इस समय बरसात हो रही है यहाँ पर, और अभी हमें इस ब्रिज को क्रॉस करके, जो कि टूटा हुआ ये रास्ता है, इसे क्रॉस करके जाना है। तो दोस्तों पहुँचता हूँ मैं जंगलीक और फिर वहाँ से मैं आपको अपडेट देता हूँ अपने नए ट्रैक की। बुरन घाटी का ट्रैक है ये, और वहाँ से मैं आपको अपडेट दूंगा। यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारे ट्रैक की। मौसम अभी साफ नहीं दे रहा है, काफ़ी बरसात वाला मौसम हुआ पड़ा है। देखते हैं आगे कैसा रहता है समय हमारा। क्योंकि दोस्तों जीप तक का जो हमारा सफ़र है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से पैदल वॉक करके जाना है। यहाँ का जो रास्ता आप देख सकते हो काफ़ी ख़राब है, तो यहाँ से जीप नहीं जा सकती है, इसलिए हमें अपना बैकपैक निकाल करके जीप से उतरना पड़ा और यहाँ से हम वॉक करके जंगलीक बेस कैंप तक जाएंगे। तो क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए हमने अपने रेनकोट निकाल लिए सारे ने, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर फॉर जंगलीक बेस कैंप। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ से कितनी दूर है अभी जंगलीक? अब 3 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी यहाँ से 3 किलोमीटर अभी हमें चल के जाना है जंगलीक कैंप तक, लगभग आधा घंटा लगेगा। ओके, चलिए संजीव जी, थैंक यू, आपसे फिर मिलते हैं हम लोग वापस आते समय। थैंक यू। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ट्रैक लीडर इज निहाल। निहाल ग्रोवर ही विल बी आवर ट्रैक लीडर, लीडिंग आवर एंटायर टीम फॉर बुरन घाटी ट्रैक। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रैक, 24th of September, एंड वी आर अप्रॉक्सीमेटली 20 गाइज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री एंड विल बी लेड बाय निहाल ग्रोवर। ओके चलो दोस्तों, अब 3 किलोमीटर वॉक करके हमें जंगलीक बेस कैंप जाना है। यहाँ से हमारी ट्रैक की लगता है शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन 24th of September एंड हम निकल पड़े हैं जंगलीक बेस कैंप के लिए। मौसम बरसात वाला हुआ पड़ा है, सभी ने अपने अपने रेनकोट ले लिए, और सचिन भाई अभी धीरे धीरे सबके नाम मुझे याद हो रहे हैं। तो ये है सचिन, सचिन इज फ्रॉम देहरादून एंड वॉकिंग इन बैंगलोर, एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल आई विल इंट्रोड्यूस यू ग्रेजुअली वन बाय वन टू एवरीवन। लेट्स फर्स्ट गो टू रीच जंगलीक बेस कैंप। ये देखिए क्या जबरदस्त बहाव है यहाँ पर पानी का। ये पूरा की पूरा ब्रिज टूट गया, देखो इतना तेज बहाव था, इतना बड़ा लोहे का ब्रिज पूरा बह गया। बहुत ज्यादा पानी है यहाँ पर। छेद दिख रहा है वो टनल है जितने गांव में निकलते। सामने दोस्तों एक टनल हमें दिखाई दे रही है पहाड़ों के बीचों बीच। उस टनल के बीचों बीच से होके जाकर के आप दूसरे गांव की तो और निकल सकते हो। कौन सा मतलब गांव है आगे उधर इस तरफ? उनके साथ टेक्निकली परीक्षा है।
दोस्तों अभी तक हम लोग जंगली बेस कैंप पहुंचे नहीं है, शाम के बज चुके हैं 5:10 और टोटल 15 से 16 लोग हम लोग यहाँ पर है। कुछ 5 लोग पीछे अभी आ रहे हैं हमारे साथ के, उनको पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का डिस्टेंस अभी है कवर करने में, तो 1.5 घंटा लेट हो जाएगा उनको। और शाम हो चुकी है, बरसात अभी रुकने का नाम नहीं है, पूरे रात ये बरसात चलेगी और अनुमान ये है कि अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही बरसात का मौसम रहने वाला है पूरे ट्रैकिंग के दौरान। चलिए चलते हैं, अब जल्दी से पहुंचते हैं जंगलीक बेस कैंप, क्योंकि थकान भी हो चुकी है, हमें निकले हुए रास्ते से करीब 1/2 घंटा हुआ है और अभी और ऊपर की तरफ हमें जाना है बेस कैंप की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जंगलीक विलेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी चढ़ाई चढ़नी है, पिछले 1.5 घंटे 45 मिनट से हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं। इट्स वेरी स्टीप क्लाइंब और सामने एक बहुत ही सुंदर एप्पल ऑर्चर्ड आया है, जहाँ पर पेड़ों पे लाल रंग के बहुत ही खूबसूरत एप्पल लगे हुए हैं। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इस एप्पल ऑर्चर्ड का दृश्य, ये देखिए ब्यूटीफुल। कई जगह में राइट हैंड साइड में हरे एप्पल्स भी और इस तरफ काफ़ी सारे एप्पल्स हैं जो पक चुके हैं। नीचे देखिए, आखिर अखिल की जो ख्वाहिश है पेड़ से एप्पल तोड़ के खाने की वो पूरी हो रही है आज। वाह, डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। तो ये रास्ता जाता है जंगली की ओर। अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं चढ़ाई चढ़ के, लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी और है। एक मेरे लिए भी ले आना यार अखिल, एक कच्चा वाला नहीं पक्का वाला। सब पके है क्या? यहाँ पर इस तरफ काफ़ी लाल दिख रहे हैं यार, बहुत ही खूबसूरत एप्पल है यहाँ पर, भरे भरे से एकदम गुच्छों में लगे हुए हैं। दोस्तों सामने एक बहुत ही खूबसूरत एप्पल ट्री आया है जो कि पूरी तरह से एप्पल से लदा हुआ है और सारे एप्पल इसके पक चुके हैं। देखिए आते हैं खाने के लिए, रुको, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री है ये देखिए। गिरे हुए एप्पल नहीं उठाएंगे, तो रुको एक डाला तोड़ते फ्रेश। ये देखिए दोस्तों, हाँ नहीं गिरेगा, कच्चे हैं, ऊपर वाला निकालो, ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, ये ठीक है, ऊपर वाला और ऊपर ही कच्चा, अरे वो कच्चा है। ये देखिए दोस्तों, कच्चा तो नहीं लग रहा, पका हुआ है। चलिए पेड़ से तोड़े हुए एप्पल का मजा लेते हैं, हिमाचल के एप्पल। क्रंची, खट्टे मीठे, खट्टे भी हल्के से, बढ़िया मज़ेदार एप्पल है, छोटे साइज़ का एप्पल है, बहुत ही क्रंची जूसी। वो ये देखिए बहुत सारे एप्पल हैं इन पेड़ों पे। दोस्तों आई थिंक अब जंगली हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर आज नाइट का हमारा स्टे होगा। सो जंगली इज़ द बेस कैंप फॉर बुरहानघाटी ट्रैक, जिसके लिए हम इस वक्त आए हुए हैं। कल हमारी ट्रैक की शुरुआत होगी बुरहानघाटी ट्रैक की, और सामने यहाँ पर कई सारे विलेज हाउसेस नज़र आ रहे हैं जो कि आज आई थिंक ये काटकोनी आर्किटेक्चर के सारे हाउसेस हैं जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। और विलेज के आसपास के चारों तरफ एप्पल ट्रीज ही एप्पल ट्रीज़ है, देखिए पूरा एप्पल ऑर्चर्ड है। पीछे कई सारे लोग आ रहे हैं, चलते दोस्तों ऊपर। अच्छा ये देखिए दोस्तों, जंगलीक विलेज का नज़ारा है यहाँ से। अभी बस कैंप साइट पहुँचने वाला हूँ, यही रास्ता लेके जाएगा हमें जंगलीक इंडिया एक्सा कैंप साइट, जहाँ से शुरुआत होगी बुरहानघाटी की ट्रैक की। और यहाँ के देखिए विलेज के हट्स, यहाँ दोस्तों एक लोकल देवता का मंदिर है सामने, जहाँ हमें थोड़ी देर रुकना है, अपने बाकी साथियों का वेट करना है, उसके बाद हम निकलेंगे आगे बेस कैंप के लिए। बरसात कंटिन्यूसली चल रही है, रुकने का नाम नहीं है, और शाम के 5:30 लगभग 6 बजने वाले होंगे अब तक, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा।
हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 25th ऑफ सेप्टेम्बर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम जांगलीक टुवर्ड्स बुरन, नॉट बुरन एग्जैक्टली, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम जांगलीक टुवर्ड्स दयारा। सो आज का जो सफ़र है वो हमारा लगभग 6 से 7 किलोमीटर का रहने वाला है और 4-5 घंटे ही लगेंगे हमें पहुँचने में। लगभग 1 या 2 बजे तक हमारा टारगेट है पहुँचने का दयारा, और दयारा में हमारा कैंप साइट रहेगा आज का। और मौसम काफ़ी बरसात वाला हुआ पड़ा है, ये देखिए चारों तरफ बादल गिरे हुए। अभी फ़िलहाल बरसात तो नहीं हो रही है, मौसम ठंडा है यहाँ पर। तो ये जो आप व्यूज़ देख रहे हो ये है जांगलीक विलेज का व्यूज़ है, और ये जो होम स्टे है दिस इज़ द होम स्टे वेयर वी हैव स्टेड यस्टरडे नाइट, जांगलीक होम स्टे। और ये सारा एप्पल ऑर्चर्ड से और एप्पल ट्री से घिरा हुआ है। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपके रूम्स कैसे हैं यहाँ पर। So this is the kind of room that has been allocated, and in fact this is the best room that has been allocated to people. Mention to Sandeep and Sanjay and Tushar, right? So these are the guys, they have got the best room over here in Jangleek. Okay. They look at the person and then they just got lucky. Yeah, so they are very beautiful people, so that's the reason they are giving it. Beautiful. Beautiful room. At night, and that's the reward we want. Yeah, that's good. So look at the views, guys. The views from here is really, really good. Okay. And very soon we are going to start our journey. I hope it doesn't rain much, but definitely it will rain. But let's see what will be the scenario. So we are still in Jangleek village right now. So today is 25th of September and we have not yet moved ahead of our trek from Jangleek village. Because of the bad weather, we had to stay put at Jangleek village today. And now the weather has cleared up and we are roaming around to just explore this area of Jangleek village. And we are in front of a very beautiful temple which is around 150 years old. It's called, it's a local Devta temple. Which is situated in Jangleek village. Look at this temple, very beautiful. It's around 100 to 150 years old building made by the local people of Jangleek village. And this is also called as Jag Devta Mandir, which is very pious and auspicious place for the local people of Himachal Pradesh. Right now it is closed and it's not allowed to enter without proper protocol and proper permission. There is a huge fine which will be taken by the local villagers if anybody is found violating the rules which are laid down over here. But from outside it's looking very beautiful. Just take a look. Its entire architecture is made of wood, and look at the carvings at the top. It's so beautiful. Very old architecture. There was one more temple which was right behind this this huge temple. We are coming from this side. And look at the weather. मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़ों में बादल छाए हुए हैं इस वक्त। अभी बरसात नहीं हो रही है दोस्तों, कुछ देर पहले यहाँ पर 1 घंटे पहले बरसात हो रही थी। इनफैक्ट कल रात से ही लगातार बरसात यहाँ पर कंटिन्यूड है, बट अभी मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है तो हम सब यहाँ निकले हैं जांगलीक विलेज में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए इस एरिया को। यहाँ के लोकल हाउसेज है, और ये हमारे इंडिया हाइक्स के जाबाज ट्रैकर्स जो बुरन घाटी ट्रैक करने के लिए रेडी है ना। तो दोस्तों बुरन घाटी का जो ट्रैक है वो हमारा अभी भी कंटिन्यूड है, बट हम आज नहीं निकले क्योंकि आज मौसम बड़ा ख़राब था। वेदर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेडिक्शन थी कि बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के लिए हमें आज यहीं होल्ड कर दिया गया। और कल हम निकलेंगे, कल हम यहाँ से, वैसे हमारा आज का प्लान था दयारा जाने का, लेकिन हम दयारा अब नहीं जाएंगे, हम स्किप करेंगे दयारा जो कि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कल हम यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे दयारा, और दयारा से होते हुए हम लोग निकलेंगे लीथम। तो टोटल डिस्टेंस कल हमारा रहेगा अराउंड 12 किलोमीटर्स का। तो कल की जो जर्नी रहेगी लगभग 7 से 8 घंटे की जर्नी रहने वाली है। हम सुबह 8 बजे का हमारा प्लान है। कल चाहे मौसम कैसा भी हो,
इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें निकलना ही है क्योंकि हमें बुरहन घाटी जो पास है वो कंप्लीट करना है। और ऐसा भी बताया गया है कि ये जो बुरहन घाटी का जो पास है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी ट्रिकी ट्रैक है, इतना आसान नहीं है, इसमें कई सारी इंजुरीज़ और कैजुअलिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें सारे प्रिकॉशंस वगैरह लेते हुए कल हमें यहाँ से निकलना है अपने बैकपैक्स को। आई होप कि कल मौसम थोड़ा सा बेटर हो कंपैरेटिवली आज के मुकाबले, ताकि हम ये ट्रैक अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाए। लेकिन अगर नहीं भी होगा तब भी हमें ये ट्रैक हिम्मत बांधते हुए और हौसला एक दूसरे का बढ़ाते हुए हमें एज ए टीम के साथ हमें इस ट्रैक को कंप्लीट करना है। फिलहाल हम जांगली को एंजॉय करते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जांगली विलेज का नज़ारा। अभी दोस्तों जांगली विलेज के पास में बच्चों का स्कूल है जहां पर हम इस वक्त आ चुके हैं। जो जाक टेंपल था वहां पर फोटोग्राफी करना मना था, तो इसलिए हमें वहां से वापस आना पड़ा। और ये जो व्यूज़ आप देख रहे हो ये है जांगली विलेज के व्यूज़। ये सामने बच्चों का स्कूल है, छोटा सा ग्राउंड भी है यहाँ पर। सामने बहुत ही सुंदर व्यूज़ नज़र आ रहा है वैली का जांगली विलेज से। अब हम अपने बेस कैंप से थोड़ा दूर आ चुके हैं और यहाँ से ये देखिए व्यूज़। और नीचे जो रिवर की आवाज़ आ रही है वो पब्बर रिवर है जो पहाड़ से बहती हुई आ रही है नीचे की तरफ। यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है पब्बर रिवर, वो देखो नीचे की तरफ सामने। दोस्तों घूम फिर के अब हम वापस अपने बेस कैंप की ओर आ चुके हैं। तो क्योंकि अभी शाम हो चुकी है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बेस कैंप का जो व्यू है। अभी यहाँ से बेस कैंप नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि जो रास्ता है पूरा एप्पल ऑर्चर्ड की तरफ से होके गुजरता है। चारों तरफ आप देख रहे हो एप्पल ट्रीज़ लगे हुए हैं। यहाँ पर सितंबर का महीना है, सारे एप्पल सब पक चुके हैं, ये सारे खाने लायक एकदम जूसी एप्पल्स है। ये देखिए बहुत ही शानदार लग रहे हैं, एक तोड़ते हैं। ये देखिए इस तरह के एप्पल्स आपको यहाँ मिलेंगे जंगली विलेज में इस वक्त। और ये यहाँ का ट्रेल ऊपर की तरफ जाता है, ये आगे एक होम स्टे की जैसा एक सेटअप है, होम स्टे ही है इनफैक्ट यहाँ के लोकल लोगों का, जिसको हमारा बेस कैंप बनाया गया है जंगली विलेज में। लेट्स गो अप। तो ये सामने जो देख रहे हो आप ये हमारा होम स्टे जहाँ पर हम कल रात रुके थे, आज रात भी यहीं रुकने वाले हैं। और कल हम जंगलीक से निकलेंगे लीथम के लिए। तो इस जगह की जो हाइट है 9200 फीट पे है जंगलीक विलेज, एट अराउंड 2800 मीटर्स हाइट अबव सी लेवल, एंड दिस इज द होम स्टे वेयर वी आर स्टेड। और ये देखिए यहाँ से व्यूज़, चारों तरफ एप्पल ट्रीज़ है इस होम स्टे के। इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा है, शाम ऑलमोस्ट लगभग 4 बजने वाले होंगे और अभी तक बरसात शुरू नहीं हुई है। आई होप कि कल मौसम अच्छा रहे और कल हम बढ़िया से अपना लीथम तक का ट्रैक कंप्लीट कर सकें। और पीछे देखिए यहाँ के जो लोकल हिमाचली पीपल है उनके घर बने हुए हैं चारों तरफ। और यहाँ सामने माउंटेन व्यूज़ आपको नज़र आएंगे इस विलेज से। ये पैकिंग कल की हो रही है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, आप लोग है ना? एक मिनट भैया। और ये देखिए अंदर के रूम्स, यहाँ पर गद्दे लगे हुए हैं सबके लिए इंडिविजुअल,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ गद्दे लगे हुए लोगों की, और ये किचन स्टाफ का एरिया है, अंदर है कुकिंग एरिया जहाँ कुकिंग वगैरह होती है, डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब यहाँ ही बनता है, और ये सामने का व्यूज़ यहाँ से, जस्ट टेक अ लुक, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम जांगलिक बेस कैंप फॉर बुरनघाटी ट्रैक. गुड इवनिंग, इट्स 5:30 राइट नाउ एंड वी आर स्टिल एट जांगलिक बेस कैंप. वी जस्ट हैड आवर इवनिंग स्नैक एंड लेट मी जस्ट शो यू हाउ इज़ द वेदर लाइक इन जांगलिक राइट नाउ. इट्स रेनिंग सुपर हैवी and this is the position of our room. You can take a look. We have already packed our bags for tomorrow's trek till Leetham. My bag is already ready with all my equipments. So let me just take you outside, okay, and show you the weather. It was very beautiful just a couple of hours ago and now it has been raining for the last half an hour, super heavy, and the velocity of rain is increasing as time is passing by. Ye dekhiye dosto, ये है जांगलिक विलेज का नज़ारा. इस वक्त हम लोग बेस कैंप्स में खड़े हुए हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमने अपना स्नैक किया है और यहाँ तेज़ बरसात हो रही है. देखिए चारों तरफ तेज़ बरसात हो रही है और मौसम के बदलने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है. पूरे दिन सुबह भी मौसम ऐसा ही था, बीच में एक दो घंटे के लिए मौसम थोड़ा खुला था तो हम बाहर गए थे घूमने के लिए. अभी फ़िलहाल तेज़ बरसात फिर शुरू हो गई है और कल भी लगता है मौसम ऐसा ही रहेगा. तो इसी तरह के मौसम में दोस्तों हमें बुरनघाटी का ट्रैक करना पड़ेगा. कल हमें जाना है लीथम, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है. 7 से 8 घंटे लगेंगे हमें. अगर मौसम ऐसा ख़राब रहेगा तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा लग जाए, हो सकता है कि 10 घंटे भी लग जाए. और बीच में कुछ रिवर क्रॉसिंग भी है. उसके बाद फिर हमें जाना है चंद्रहान करके एक जगह है और डुंडा, और फिर हमें बुरन पास के लिए जाना होगा फाइनल डे के लिए, और फिर वहाँ से पास करके हम वापस अपना ट्रैक कम्प्लीट करेंगे. तो कल का जो प्लान है, कल लीथम का प्लान है, और आज का जो वेदर है वो ऐसा है, और मुझे नहीं लगता कि वेदर कल इम्प्रूव होने वाला जिस तरह की कंडीशंस लग रही है. कल सुबह भी शायद ऐसा ही मौसम रहे. बीच में हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आसमान खुले और मौसम थोड़ा साफ़ हो, बट जैसे ही शाम होती है यहाँ पर तेज़ बरसात शुरू हो जाती है. और सितंबर का महीना है, 25th of September है, और 25th को सितंबर मतलब सितंबर के मंथ में इस तरह का मौसम जनरली देखने को नहीं मिलता है. But इस बार even at the last week of September we are seeing this kind of climate and this kind of rain which is usually observed in rainy season of August in July and August. तो ये होम स्टे का व्यू. अभी हमारे पास दोस्तों करने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग. आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही बीता है, रिलैक्स करते हुए, बातें करते हुए, और यहाँ की बारिश का मज़ा लेते हुए वेट कर रहे हैं कब मौसम खुले. अगर मौसम, जस्ट होप कर रहे हैं कि कल मौसम अच्छा हो जाए ताकि हम अपनी ट्रैक अच्छे से कम्प्लीट कर पाए. बट ऐसा लग नहीं रहा है कि मौसम कुछ सुधरेगा कल तक, और ऐसा अनुमान है कि अगले आने वाले पूरे सप्ताह मौसम ऐसा ही रहेगा, यानी कि पूरे वीक तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है बरसात वाला, और इसी बरसात में हमें ट्रैक कंप्लीट करनी होगी. लेट्स सी, जो भी सिचुएशंस आएगी उसे उसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना और ट्रैक कंप्लीट करना है. और आगे बुरन पास जो है काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी डेंजरस क्लाइम है. बुरन पास का जो ट्रैक है वो इतना आसान ट्रैक नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक माना जाता है इस एरिया में. और लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी फेस टुमारो. ओके.